नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये है कोर्स एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर इंपॉर्टेंट कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स एंड लेजिस्लेशन। और आशा करता हूं कि इससे पहले मैंने जो जो लेसन अपलोड किए थे आप लोग ने उसको फॉलो किए होंगे। और ये है लेसन ऑर्गेनाइजेशन एंड इनिशिएटिव फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं, भास्कर ज्योति हजारिका। मैंने आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज से बी किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और आप मुझे इस लिंक पर फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको अगर ये मेरे ये कोर्स पसंद आए और आप सोचते हैं कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ इसको रेट कीजिए और रिव्यू कीजिए प्लीज़। इसको ये ज़रूरी है, और मेरे लेसन्स को रिकमेंड कीजिए। और उसके बाद आता है जो टॉपिक्स में और जो ऑर्गेनाइजेशन में कवर करूँगा इस लेसन में, आप एक बार देख लीजिए। ये स्लाइड आप रिविजन के टाइम में यूज़ कर सकते हैं स्क्रीनशॉट रख के। तो यह आते हैं अभी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन IPBES, दैट इज इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो बेसिकली इसको प्लेस किया गया था UNEP UNDP, ये दोनों यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है, और जो यूनेस्को एंड फाओ है ये यूनाइटेड नेशंस का एजेंसी है। तो इसको एडमिनिस्टर करता है फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये बेसिकली मैं यहाँ पे एब्रीविएशन ही यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्ट्रेंथनिंग द साइंस पॉलिसी इंटरफेस फॉर द बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉन्ग टर्म वेल ह्यूमन बींग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि साइंस पॉलिसी इंटरफेस को कैसे स्ट्रेंथनिंग किया जाए ताकि बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज को सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी या तो फिर ह्यूमन बींग के वेलफेयर के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा सके। जो बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज है उसको कैसे यूज़ किया जा सके, ठीक है। और ये IPBES वाइल्ड पोलिनेटर्स के ऊपर एक रिपोर्ट भी प्रिपेयर करते हैं। वाइल्ड पोलिनेटर्स पोलिनेटर्स बेसिकली क्या है, जो बटरफ्लाई है, मधुमक्खियाँ है, वो सभी पोलिनेटर्स है। उसके बाद आता है SSEP, दैट इज साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो ये भी बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एस्टैब्लिश किया गया था 1982 में, और गवर्नमेंट्स ऑफ साउथ एशिया ने इसको एस्टैब्लिश किया था, वेरियस गवर्नमेंट्स। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रमोट एंड सपोर्ट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट एंड एनहेंसमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इन द रीजन। और SSEP में इंडिया भी इंक्लूडेड है, और इसका एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है, मेल डिक्लेरेशन, जो कि बेस्ड है कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। ये एक सिग्निफिकेंट एफर्ट है SSEP का, ठीक है। उसके बाद आता है IPPC, दैट इज इंटरनेशनल प्लान प्रोटेक्शन कन्वेंशन। तो ये भी एक मल्टीनेशनल ट्रीटी है जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ओवरसी करता है। और इसका एम क्या है कि जो प्लांट्स प्रोडक्ट हो या प्लांट हो उसका जो हार्मफुल पेस्ट होता है उस पर, तो उसके इंट्रोडक्शन और स्प्रेड को कैसे प्रिवेंट और कंट्रोल किया जाए, यही इस IPPC का मेन एम है। और ये सिर्फ कल्टिवेटेड प्लांट को कवर नहीं करता है, ये नेचुरल फ्लोरा फोना को भी कवर करता है, इनफैक्ट ये वीट को भी कवर करता है, ठीक है। और इसका गवर्निंग बॉडी है कमीशन ऑन फाइटोसैनिटरी मेजर्स, राइट। उसके बाद ITTO, दैट इज इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रमोट करे कंजर्वेशन ऑफ ट्रॉपिकल टिम्बर्स एंड देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। और ये एस्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट में अंडर, और इसको स्पॉन्सर करता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इंडिया एज ए मेम्बर है डेफिनेटली, येस, बट एज ए प्रोड्यूसिंग नेशन है इसका मेम्बर इंडिया, लेकिन एज ए कंज्यूमिंग नेशन नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना चाहिए इसको। उसके बाद आता है UNFF, दैट इज यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट। तो इसको बेसिकली एस्टैब्लिश किया गया था 2000 में, एक परमानेंट बॉडी है UN का, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो उसने एस्टैब्लिश किया था, और ये है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। और ये बेस्ड है आपका जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल है रायो डिक्लेरेशन का। आपको रायो डिक्लेरेशन मतलब कि जो रायो आर्ट समिट हुआ था 1992 में, उस पर UNFCCC को अडॉप्ट किया गया था, UNCCD और जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसको भी अडॉप्ट किया गया था, और वहाँ पे ये जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल है उसको भी अडॉप्ट किया गया था। और ये UNF का मेन ऑब्जेक्टिव इस फॉरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। और जो मेंबर स्टेट है यूनाइटेड नेशंस, तो सभी यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट का भी मेंबर है, और जो स्पेशलाइज एजेंसी भी इसके साथ एसोसिएट है, ठीक है। और कॉफो है कमिटी ऑन फॉरेस्ट्री, तो बेसिकली ये हाईएस्ट टेरिटोरी बॉडी है फाओ का ऑन फॉरेस्ट्री रिलेटेड इश्यूज। और पार्टिसिपेशन ऑफ कॉफो इज ओपन टू ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ FAO, ठीक है। उसके बाद आता है एशिया पैसिफिक फॉरेस्ट कमीशन। तो बेसिकली इसको क्रिएट किया गया था 1940, और
और ये है वन ऑफ द सिक्स रीजनल फॉरेस्ट्री कमीशन, तो ऑल टुगेदर सिक्स रीजनल फॉरेस्ट्री कमीशन है। और इसका फॉरेस्ट्री कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक डिस्कशन के लिए एक फोरम क्रिएट करे, डिस्कशन ऑन फॉरेस्ट इश्यूज ऑन रीजनल बेसिस, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। ये APFC वन ऑफ सच सिक्स रीजनल फॉरेस्ट्री कमीशन। ओके, उसके बाद है एशिया पैसिफिक फॉरेस्ट इन्वेसिव स्पेसिस एंड रॉक। इन्वेसिव स्पेसिस मैंने मेरा पहला कोर्स में डिस्कस किया था, जो स्पेसिस बाहर से लाया जाता है, सेमी कार्बोनम ट्री रिसेंटली न्यूज में है इन्वेसिव स्पेसिस, ठीक है। और ये जो एशिया पैसिफिक फॉरेस्ट इन्वेसिव स्पेसिस नेटवर्क है, ये एक कोऑपरेटिव अलायंस है 32 मेंबर कंट्रीज ऑफ एशिया पैसिफिक फॉरेस्ट्री कमीशन। और ये क्यों एस्टैब्लिश किया गया था, एज ए रेस्पॉन्स टू द इमेंस कॉस्ट एंड डेंजर्स पोज्ड बाय द इन्वेसिव स्पेसिस टू द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन, तो ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव। उसके बाद फाओ का इनिशिएटिव है, लास्ट ईयर एग्रीकल्चर के ऊपर, फाओ के एग्रीकल्चर के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मेथड कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन था। एक्चुअली सॉरी फॉर दैट, आई एम अनेबल टू रिमेंबर एग्जैक्ट क्वेश्चन, सो इसलिए मैं फाओ का कुछ इनिशिएटिव यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक्शन प्लान है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और रेजिलिएंट इंडेक्स मैनेजमेंट, सॉरी इंडेक्स मेजरमेंट एनालिसिस, ये एक इनोवेटिव क्वांटिटी अप्रोच है जो कि बेसिकली अफ्रीका में ऑपरेशनल है। और लास्टली इन बार इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर बैम्बू एंड रतन, तो बेसिकली ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये यूएन, यूनाइटेड नेशंस या ऐसे कुछ एजेंसी के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन। और इंडिया इसका मेंबर नेशन है और ये प्रमोट करता है कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू पॉवर्टी एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी टू यूजिंग बैम्बू एंड रतन। ऑलराइट, उसके बाद इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, तो ये है, मैं कवर करूंगा इस पे। आप इस स्लाइड को रिविजन के टाइम में यूज कर सकते हैं। तो आरईडीडी क्या, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ये आरईडीडी एक्चुअली यूएनएफसीसी से डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये है ग्लोबल इनिशिएटिव टू क्रिएट ए फाइनेंशियल वैल्यू फॉर द कार्बन स्टोर्ड इन फॉरेस्ट बाय ऑफरिंग इंसेंटिव फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, तो आरईडीडी बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है। और ये क्या करता है, जो जो डेवलपिंग कंट्रीज एमिशन को रिड्यूस करते हैं और लो कार्बन पाथ्स को पाथ्स में इन्वेस्ट करता है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसके लिए एक फाइनेंशियल वैल्यू क्रिएट करता है ये आरईडीडी। और डेवलपिंग कंट्रीज वुड रिसीव रिजल्ट बेस्ड पेमेंट फॉर रिजल्ट बेस्ड एक्शन, ठीक है। और इसको फर्स्ट डिस्कस किया गया था COP 11 2005 में, यूएनएफसीसी का COP है ये। और इन COP 13 आरईडीडी प्लस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि पहला आरईडीडी प्रोग्राम जो था उसको सुपरसीड करते हैं, मतलब कुछ एडिशनल प्रोविजन इसमें इंक्लूड किया गया है। और आरईडीडी का फुल फॉर्म क्या है, आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, मैं ब्रैकेट के अंदर डाल रहा हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम चेकिंग फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, जो आरईडीडी प्लस प्रोग्राम है वो इंसेंटिव फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड एनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक, इसको भी कवर करता है। और COP 19 जो है UNFCCC का, वहाँ पे 7 डिसीजन एडॉप्ट किया गया था जो कि रिलेटेड था आरईडीडी प्लस प्रोग्राम के मतलब से रिलेटेड था। और वो जो 7 डिसीजन है उसको ही बोला जाता है वर्सा फ्रेमवर्क फॉर आरईडीडी प्लस। ऑलराइट, और जो इंसेंटिव रिसीव होता है आरईडीडी प्लस प्रोग्राम से, वो लोकल कम्युनिटीज को पास किया जाता है। लोकल कम्युनिटीज मतलब जो जो कि प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट के साथ रिलेशन रखता है, जो ठीक है इन्वॉल्व है एक्चुअली। उसके बाद इंडिया एंड आईडीडी प्लस प्रोग्राम, तो ये एक नेशनल आईडीडी प्लस कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था आईडीडी प्लस के अंदर। और एक नेशनल फॉरेस्ट कार्बन अकाउंटिंग प्रोग्राम इज बीइंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। और जो आईडीडी प्लस प्रोग्राम में एस्टिमेट किया गया है कि इंडिया कुड प्रोवाइड अ कैप्चर ऑफ मोर देन 1 बिलियन टन्स ऑफ एडिशनल CO2 ओवर द नेक्स्ट 3 decades, and it can provide more than $3 billion as carbon service incentive under IRDD plus program. तो ये एक्चुअली इंडिया का बेनिफिट होंगे IRDD plus के प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। उसके बाद है फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, तो ये ग्लोबल पार्टनरशिप है एक्चुअली, ये गवर्नमेंटल नहीं है, इस पर सिविल सोसाइटी भी इन्वॉल्व है, इंडिजिनियस पीपल भी इन्वॉल्व है, इनफैक्ट बिजनेसेस को भी कवर किया गया है। तो ये बेसिकली फैसिलिटी IRDD plus
जो एक्टिविटीज़ है तो उसके ऊपर फोकस्ड है। और उसका दो फंड है, रेडीनेस फंड एंड कार्बन फंड। उसके बाद है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, तो ये एक वॉलंटरी एंड नॉन लीगली बाइंडिंग पॉलिटिकल डिक्लेरेशन बाय गवर्नमेंट है। और इसको स्पार्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल क्लाइमेट समिट इन 2014। तो इसका मेन एम है कि हाफ द रेट ऑफ डिफोरेस्टेशन बाय 2020 एंड टू एंड इट बाय 2030। बाय 2030 डिफोरेस्टेशन को कम्प्लीटली ख़त्म किया जाए और रिस्टोर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड। और डिग्रेडेड लैंड जो होते हैं उसको कैसे रिकवर किया जाए, उसका ही ये मेन ऑब्जेक्टिव है। और लास्टली द इकोलेक्स एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑन एनवायरमेंटल लॉज इच इज ऑपरेटेड जॉइंटली बाई फाओ IUCN एंड UNEP। तो इकोलेक्स आप याद कर लीजिए क्या है, इकोलेक्स क्या है। उसके बाद बिलियन ट्री कैंपेन है, इसको लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने। तो ये बेसिकली एक कैंपेन है ट्री को प्लान करने के लिए। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव था, ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था कि 1 बिलियन ट्री को प्लान किया जाए, लेकिन इसको बाद में 7 बिलियन ट्री प्लान करने का ऑब्जेक्टिव इंक्लूड किया गया यहाँ पे। और बाय 2011 अराउंड 12 बिलियन ट्री को प्लान किया गया। और ग्रीन वेव कैंपेन क्या है, ये एक्चुअली ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कैंपेन है टू एडुकेट चिल्ड्रेन एंड यूथ अबाउट बायोडाइवर्सिटी। तो एक्चुअली ये एक अवेयरनेस कैंपेन है। और लास्टली ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, तो देखिए UPSC का एक टेंडेंसी है कि जो रिपोर्ट है या ऐसा कुछ थीम है कुछ इवेंट के, इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ रहे थे, तो आप इसको एक बार याद कर लीजिए कि ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम पब्लिश करता है। और इसका ये ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक बेसिकली फोकस्ड है एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मेरे लेसन के देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ रेट रिव्यू और रिकमेंड कीजिए। और आज का मैसेज ये है, नर्चर नेचर फॉर ए ग्रीनर फ्यूचर। सो हैव अ गुड डे। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग UPSC प्रीलिम्स के लिए बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये है कोर्स एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स एंड लेजिस्लेशन। इसके पहले मैंने जो जो लेसन अपलोड किए थे, आशा करता हूँ कि आप लोग उस लेसन को फॉलो किए होंगे और उससे बेनिफिट भी हुए होंगे। तो ये है कोर्स वाटर एक्ट, एयर एक्ट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के ऊपर। इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं हूँ भास्कर ज्योति हजारिका। मैंने आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज से बी किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और आप मुझे इस लिंक पर फॉलो कर सकते हैं। एंड ये जो टॉपिक्स है ये मैं कवर करूँगा, द वाटर एक्ट, द वाटर सेज एक्ट, द एयर एक्ट ऑफ 1981, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, एंड लास्टली द काम्पा कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। तो बेसिकली इसको पार्लियामेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें किया था 1974 में। और इसका पर्पज ये था कि प्रिवेंट किया जाए और कंट्रोल किया जाए वाटर पॉल्यूशन को, और मेंटेन और रिस्टोर किया जाए होलसमनेस एंड प्योरिटी ऑफ वाटर बॉडीज को। ठीक है, एंड उसका बाद आता है जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है इसके एक्ट के अंदर, कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो देखिए ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है CPCB, ये रिसेंटली न्यूज में था, ये वाटर क्वालिटी भी मॉनिटर करता है, एयर क्वालिटी भी मॉनिटर करता है। तो ये जो CPCB है इसको इस वाटर एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। सिमिलरली स्टेट्स में भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लाया गया था इस एक्ट के अंदर। ठीक है, और ये क्या करता है, एम्पावर्स स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू एस्टैब्लिश एंड एनफोर्स एफ्लुएंट स्टैंडर्ड। एफ्लुएंट स्टैंडर्ड मतलब कि जो वेस्ट वाटर होते हैं, वेस्ट वाटर को आप एफ्लुएंट बोल सकते हैं सिंपली इंडस्ट्रीज का जो, तो स्टैंडर्ड ये होता है कि आप उस वेस्ट वाटर में बहुत सारे हानिकारक केमिकल्स रहते हैं या तो फिर पोल्यूटेंट्स रहते हैं, तो ये जो SPCBs है वो प्रेस्क्राइब कर सकते हैं कि ये केमिकल सर्टेन लिमिट एक्सीड नहीं कर सकते हैं उस वेस्ट वाटर पे, या तो फिर ये सर्टेन केमिकल वो वेस्ट वाटर में नहीं रहना चाहिए उसको, तो ऐसा कुछ स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। एंड लास्टली द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड परफॉर्म द सेम फंक्शन। तो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड भी वही फंक्शन करते हैं, लेकिन वो इंडियन टेरिटरीज के लिए होता है। ठीक है, तो इंडियन टेरिटरीज। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कोऑर्डिनेट करता है, CPCB जो भेड़िया स्टेट्स बोर्ड है उसके एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, एंड बोर्ड हैज टू एंश्योर कंप्लायंस विद द एक्ट एंड द पावर टू पावर ऑफ एंट्री। तो ये होता है कि ये एक्ट जो CPCBs है एंड SPCBs है उसको पावर दिया गया है कि
वो किसी भी इंडस्ट्रीज को विजिट कर सकता है, उस पे एंट्री कर सकता है और उसका इक्विपमेंट भी टेस्टिंग कर सकता है फॉर द पावर ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस। एंड सिमिलरली वो कोई भी स्ट्रीम हो या वेल हो या तो फिर सीवेज हो या एफ्लुएंस हो, उसका सैंपल ले सकता है एनालिसिस के लिए। ये पावर दिया गया है। और 1988 में एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था इस एक्ट का। तो ये क्या होता है कि इससे पहले कोई अगर इंडस्ट्री और फैक्ट्री रूल रूल को वायलेट करते हैं तो उसके लिए उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता था ऑर्डर निकालने के लिए। लेकिन 1988 अमेंडमेंट ये पावर देते हैं इस बोर्ड्स को कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के थ्रू आप वो जो डिफॉल्टेंट प्लान प्लान होता है या तो फिर फैक्ट्रीज होता है उसको बंद कर सकता है, या तो फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी पावर कट कर सकता है, या तो फिर उसका जो वाटर सप्लाई है वाटर सप्लाई उसको भी कट कर सकता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। देन वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेज एक्ट। तो बेसिकली ये क्या क्या है कि जो जो सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था उसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्स बहुत जरूरी है, तो वो फाइनेंशियल रिसोर्स जनरेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। और ये एक्चुअली एक सेज लागू करता है जो जो डेजिग्नेटेड इंडस्ट्रीज होता है, ऑल सब इंडस्ट्रीज नहीं होता है, कुछ डेजिग्नेटेड इंडस्ट्रीज होता है और लोकल अथॉरिटीज भी होता है जो वाटर एफ्लुएंस को डिस्चार्ज करता है वाटर बॉडीज पे, उस पर टैक्स लगाता है एक्चुअली बेसिकली। एंड दिस रेवेन्यूज आर यूज टू इम्प्लीमेंट द वाटर एक्ट। और एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन, मतलब अगर कोई इंडस्ट्रीज हो या अथॉरिटी हो वो अगर वेस्ट वाटर को रिसाइकल करने के लिए कोई इक्विपमेंट इंस्टॉल करता है तो उसको एक टैक्स रिबेट मिलेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है। तो बेसिकली ये क्या करता है, एनकरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। ये तो आपको पता होगा कि जो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो मैंने अभी बताया एफ्लुएंट ट्रीटमेंट इक्विपमेंट इंस्टॉल किया जाता है, तो उसके लिए ये एक इंसेंटिव देता है। इंसेंटिव मतलब कि जो टैक्स होता है उसको टैक्स को रिबेट करता है, ठीक है। देन एयर एक्ट ऑफ 1981। तो बेसिकली ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें किया था 1981 में। तो इसका पर्पज ये था कि जो जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट इन 1972 स्टॉकहोम में हुआ था, तो उसका जो इम्पोर्टेंट डिसीजन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्हें किया गया था। एंड इट एक्सपांडेड द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल। तो ये क्या करता है कि जो जो पहले वाटर एक्ट के थ्रू जो 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 स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हो या सीपीसीबी हो उसका अथॉरिटी को एक्सपांड करता है टू कवर वाटर पॉल्यूशन ऑल्सो, सॉरी टू कवर एयर पॉल्यूशन ऑल्सो। पहले सिर्फ वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करता था, अभी एयर पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करेगा, ठीक है। एंड ऑल इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग विद इन डेजिग्नेटेड एरियाज रिक्वायर परमिट। तो बेसिकली ये कि कुछ कुछ डेजिग्नेटेड एरिया ऐसे होंगे जैसे कि देखिए आप दिल्ली हो या आपका गुजरात हो, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है तो एयर पॉल्यूशन डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। तो उस एरिया में आपका ऐसे कुछ एरिया होंगे डेजिग्नेटेड, तो वैसे एरिया में आपको इंडस्ट्री सेटअप करना हो तो इस स्टेट बोर्ड से परमिशन लेना पड़ेगा, एक परमिट लेने पर होंगे, ठीक है। द बोर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू प्रस्क्राइब एमिशन स्टैंडर्ड। एमिशन स्टैंडर्ड मतलब जो सिमिलर टू एफ्लुएंट स्टैंडर्ड है बेसिकली। अब तो देखते होंगे कि जो इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज के चिमनी से धुएं निकलता हुआ होंगे तो उस पर हानिकारक गैस रहते हैं, टॉक्सिक गैस रहते हैं। तो ये जो स्टेट बोर्ड्स है वो लिमिट सेट कर सकता है कि ये गैस वहाँ पे नहीं रहना चाहिए, या तो फिर ये वो लिमिट सर्टेन लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड वो सेट कर सकते हैं। और वो स्टैंडर्ड ये सब इंडस्ट्री वायलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वायलेट करें तो 1987 अमेंडमेंट के थ्रू वो सीपीसीबी हो या एसपीसीबी हो वो प्लान को बंद कर सकते हैं, या तो फिर उसका पावर सप्लाई हो या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट कर सकते हैं, ठीक है। देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। तो बेसिकली इससे पहले एक और एक था फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। ये ब्रिटिश एरा का एक एक्ट था जो कि ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है, विलेज फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या प्राइवेट फॉरेस्ट, इसका ये सब कॉन्सेप्ट को उस एक्ट में दिया गया था। तो ये 1980 का जो एक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है। और इसका पर्पस बेसिक पर्पस ये है कि रेस्ट्रिक्शन लाया जाए जो फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया जाता है नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए। नॉन फॉरेस्ट यूज मतलब कि कुछ इंडस्ट्री सेटअप करना हो तो, या फिर कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज सच एज हाईवेज हो या तो फिर रेलवेज हो, ठीक है, या तो फिर ह्यूमन हैबिटेट के लिए ही क्यों ना हो।
इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ज़रूरी है, ठीक है। और इसके लिए एक फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इस एक्ट के अंदर, जो कि एडवाइस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए, मतलब नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए अगर कुछ फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, तो वो अपेक्स जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा कि क्लियरेंस देना है कि नहीं देना है, ठीक है, ये इसका पर्पज़ है। एंड नो डाइवर्जन फॉर कल्टिवेशन एंड एनी अदर पर्पज अदर देन एफॉरेस्टेशन, मतलब कि इवन कल्टिवेशन खेत के लिए भी आप फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ है जिसके लिए ये अलाउड है, जैसे कि डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जैसे कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चेक पोस्ट, फायर लाइंस, वायरलेस कम्युनिकेशन, ब्रिजेस, बाउंड्री मार्क्स एक्सेट्रा। लेकिन 1980 के बाद कुछ गाइडलाइंस लाया गया, कुछ अमेंडमेंट्स भी लाया गया, जिसके थ्रू ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, इरीगेशन प्रोजेक्ट, ट्रांसमिशन लाइन, रेलवे लाइन्स, पावर प्रोजेक्ट, इनफैक्ट माइनिंग को भी लाया गया था, उसको माइनिंग भी अलाउ किया गया था। लेकिन उसके लिए अगर आप माइनिंग एज ऑफ एक्टिविटीज को एक्टिविटीज के लिए फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करते हैं, तो उसके रिटर्न आपको कॉम्पेंसेटरी रिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट करते हैं उसका तो इल इफेक्ट होगा ही, डेफिनेटली ग्रीन कवर कम हो जाएगा, तो टू मिटिगेट दैट इल इफेक्ट्स ऑफ डाइवर्जन कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन इज नेसेसरी। तो ये कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन को मॉनिटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में, सॉरी 2016 नहीं है, 2006 है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एडहॉक कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट किया था। और उसके बाद 2009 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक नेशनल कैंपा एडवाइजरी काउंसिल सेटअप किया और ये गाइडलाइंस लाया कि स्टेट कंपा जो होंगे, स्टेट कंपा मतलब स्टेट कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जो कि फंड्स जिसका फंड्स कलेक्ट किए जाएंगे नेशनल कंपा से फॉर एफॉरेस्टेशन एंड रिजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। एंड ये जो कंपे होंगे तो वो चेयर करता है इंडियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ये एक्चुअली कैंपा एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था, और ये मतलब न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये इसका बहुत सारा फंड अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है, कैंपा फंड्स, ठीक है, यूटिलाइज ही नहीं हुआ है। उसके बाद कंपा बिल लाया गया 2016 में, ये पास हो गया लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही, और इस बिल के अंदर नेशनल कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड को क्रिएट किया जाएगा और स्टेट्स में भी स्टेट कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड्स को क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, स्टेट लेवल पे। और जो स्टेट कैंपा फंड्स होंगे वो पब्लिक अकाउंट के अंदर होंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है कंसोलिडेटेड फंड है, कॉन्टिजेंसी फंड है, ये पब्लिक अकाउंट के अंदर होंगे स्टेट्स के, और स्टेट्स विल गेट 90% ऑफ द फंड्स और नेशनल कैंपा विल गेट 10%। मतलब जो जो फंड होंगे, फंड कलेक्ट किया जाएंगे यूजर एजेंसी से, क्योंकि वो फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए उससे एक नेट प्रेजेंट वैल्यू कलेक्ट किया जाएगा, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो वो जो फंड्स है वो नई स्टेट उसका 90% शेयर ऑप्टेन करेंगे और जो सेंट्रल लेवल पे जो नेशनल कैंपा है वो 10% फंड रिसीव करेंगे। और लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए एफॉरेस्टेशन जो बोल रहे हैं हम लोग, ये टाइम लगता है, आप एक पेड़ ए फॉरेस्ट को एक दिन में खड़ा नहीं कर सकते, तो वो टाइम लेंगे। तो आप अगर एक प्लांट आज प्लान कर रहे हैं, एक ट्री ट्री सैपलिंग, तो टाइम लगेगा, एटलीस्ट 50 ईयर्स लगेगा ए फॉरेस्टेड लैंड टू टेक टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसीलिए इसका प्रोविजन ये है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू को निकाला जाए ऑफ द डाइवर्टेड फॉरेस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 50 ईयर्स एंड द अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम यूजर एजेंसी। मतलब कोई सपोज मैं सिंपल टर्म में आपको समझा देता हूँ, सपोज एक फॉरेस्ट एरिया है, उस पर यूजर एजेंसी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, नेट वैल्यू उस फॉरेस्ट एरिया का नेट प्रेजेंट वैल्यू को निकालना पड़ेगा और वो नेट प्रेजेंट वैल्यू को उसको पे करना पड़ेगा, और वो नेट प्रेजेंट वैल्यू को पे करने के बाद वो यूज कर सकते हैं, और ये जो कैंपा होंगे कैंपा फंड्स वो चला जाएगा वो अमाउंट, और उस अमाउंट से एक दूसरे जगह पे एफॉरेस्टेशन किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही प्रोविजन है। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, आपको अगर ये लेसन पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सॉरी रेट कीजिए, रिकमेंड कीजिए एंड रिव्यू भी कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेसन, हैव ए गुड डे। और ये आप
आपका आज का मैसेज है प्लान समथिंग फॉर बेटर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेसन। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग सभी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये है कोर्स एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स एंड लेजिस्लेशन। तो इससे पहले मैंने जो जो लेसन्स बनाए थे इस कोर्स का, आशा करता हूं कि आप लोग उस लेसन्स को फॉलो किए होंगे और उससे बेनिफिट भी हुए होंगे। तो ये है लेसन एनवायरनमेंट एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के ऊपर इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं हूँ भास्कर ज्योति हजारिका। मैंने आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज से बी किया है और मैं WWF इंडिया का फॉर्मर इंटर्न था और आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। और एक बात की, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे या तो फिर आप सोचते हैं कि इस कोर्स से आपका बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे कोर्स को रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए और मेरे लेसन को रिकमेंड कीजिए। तो ये टॉपिक्स मैं इस लेसन में कवर करूंगा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। और यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ कि ये जो फॉरेस्ट है या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, ये जो सब्जेक्ट है, ये बेसिकली स्टेट लिस्ट में था। मतलब स्टेट ही इसके ऊपर एक्ट बना सकता था, लेकिन जो 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके द्वारा ये सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट को, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को, स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया है। अगर मतलब कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इस पे एक्ट बना सकते हैं इस दोनों सब्जेक्ट के ऊपर, और ये तीनों एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। तो बेसिकली द फर्स्ट वन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, इसको इनेक्ट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1986 में। क्यों? क्योंकि भोपाल में गैस ट्रेजरी हुआ था 1984 में। वहाँ पे क्या हुआ था, यूनियन कार्बाइन नाम का एक कंपनी था, उसका एक प्लान था पेस्टिसाइड प्लान, तो उससे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीकेज हुआ था रात को और वो गैस इनहेल करके बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ था, ठीक है। और यही है भोपाल गैस ट्रेजरी बेसिकली। तो इसके बाद ऐसा कुछ इंसिडेंट दोबारा ना हो, इसलिए ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन 1972। और इसका इम्पोर्टेंट प्रोविजन क्या है, ये डिफाइंस एनवायरनमेंट। तो ये एनवायरनमेंट को डिफाइन करता है, एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप व्हिच एग्जिस्ट अमंग वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है, तो पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ये पॉल्यूटेंट्स को भी डिफाइन करता है। ये पॉल्यूटेंट्स मतलब कि एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस जो कि ऐसा मात्रा में पाया जाए जो कि परिवेश के लिए हानिकारक है, तो वही है पॉल्यूटेंट्स। और इस पॉल्यूटेंट्स का प्रेजेंस को ही हम बोल सकते हैं कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। और ये हजार्डस सब्सटेंसेस को भी डिफाइन करता है, मतलब कि हानिकारक पदार्थ, हजार्डस सब्सटेंस। तो एनी सब्सटेंस विच में कॉज हार्म टू ह्यूमन बींग्स, ये सिर्फ हम लोग का, ह्यूमन बींग्स का ही नहीं, अगर कोई लिविंग क्रिएचर हो जैसे कि प्लांट हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया भी हो, उसको भी कवर करता है। अगर कोई सब्सटेंस बैक्टीरिया को भी हार्म करे तो वो भी हजार्डस सब्सटेंस बोला जाता है इस एक्ट के अंदर। और ये सेट करता है स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर, सॉइल फॉर वेरियस एरियाज एंड पर्पस। तो ये एयर क्वालिटी इशू, वाटर का क्वालिटी क्या क्या होगा, ये सब रिसेंटली न्यूज में है, तो इसके ऊपर मैं एक दूसरा कोर्स बनाऊंगा। जो एयर क्वालिटी, एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, ये मेरा नेक्स्ट कोर्स होगा इसके ऊपर। तो द मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट्स ऑफ द कंसंट्रेशन को भी ये डिफाइन करता है, मतलब पॉल्यूटेंस कितना होगा मैक्सिमम लिमिट। और ये नॉइस पॉल्यूशन को भी इंक्लूड करता है, ये इंपॉर्टेंट है, एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइज पोल्यूशन को भी, शब्द प्रदूषण जो बोलते हैं ना, शब्द प्रदूषण, तो ये भी इंक्लूड होता है इस एक्ट के अंदर। ये आप याद कर सकते हैं, प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद प्रोसीजर्स एंड सेफगार्ड्स फॉर हैंडलिंग हजार्डस सब्सटेंसेस इन डिफरेंट एरियाज इज ऑल्सो डिफाइंड इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एंड ये क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब कि आप इंडस्ट्री को कुछ इंडस्ट्री के कुछ ऑपरेशन को कहीं पर भी नहीं सेटअप कर सकते हैं, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन भी है, ठीक है। पर्टिकुलरली आप इसके, इसको मतलब फॉरेस्ट के पास या तो फिर ह्यूमन हैबिटेट के पास, ठीक है, वहाँ पे आप इसको सेटअप नहीं कर सकते, ऐसे कुछ रेगुलेशन है। क्या क्या रेगुलेशन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली यही आप प्रोविजन याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो ये क्या करता है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये बेसिकली एडवाइजरी बॉडी है और इसको चेयर करता है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द
then state wildlife advisory bodies, then regulation for hunting wild animals and birds. एंड ये क्या करता है, डिफाइन करता है ये जो सेंचुरीज है, अभयारण्य है, नेशनल पार्क है, ये जो क्रिएशन करता है इसका जो प्रोसीड्योर है या डिफाइन करता है क्या नेशनल पार्क है, कौन सा अभयारण्य है, तो ये कॉन्स्टिट्यूट होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए. और ये ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल को रेगुलेट करता है और ट्रेड इन ट्रॉफीज एंड आर्टिकल्स. ट्रॉफीज मतलब कि वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का स्किन हो या बोन हो या तो फिर उसका दांत ही क्यों ना हो या तो फिर इसका हॉर्न या एंटीलर जो सिंग होते हैं वो भी क्यों ना हो, वो सब इसके अंदर आता है. तो वो प्रोहिबिटेड है इस एक्ट के अंदर, ठीक है. और रिसेंटली ये इशू केरला में हुआ था कि वहाँ पे आपका डीएस का जो हरिन हिरन का आपका सिंग को मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन में अलाउ करने के लिए एक स्टेट एडवाइजरी स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड ने प्रपोजल लिया था, लेकिन उसके लिए इस एक्ट का अमेंडमेंट होना जरूरी है क्योंकि ये उस पर प्रोहिबिटेड है, ठीक है. आप इसको रिलेट कर सकते हैं करंट इश्यूज से. देखिए उसके बाद वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनी एनिमल बीज, मतलब कि वाइल्ड लाइफ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो प्राणी ही है, मतलब उसके अंदर आता है आपका बीज, मधुमक्खियाँ भी आता है, बटरफ्लाइज आता है, फिश आता है, मछली भी आते हैं, और इवन जो आपका पानी में रहने वाला जो प्रजाति है एक्वाटिक स्पेसिस वो भी आता है, इवन लैंड वेजिटेशन भी कवर होता है, ठीक है. और वाइल्ड लाइफ वार्डन्स ऑफ स्टेट्स एंड देयर स्टाफ एडमिनिस्टर्स दिस एक्ट. एंड 1982 में एक अमेंडमेंट हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ था, ये तो नॉर्मली ये प्रोहिबिटेड है कि इसको कैप्चर नहीं किया जा सकता है वाइल्ड लाइफ वाइल्ड एनिमल को या ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल पॉपुलेशन जरूरी है तो आप इसको कैप्चर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं. मैं आपको एक बार बता दूं कि टाइगर का रिलोकेशन हुआ था सरिस्का का टाइगर रिजर्व में, वो न्यूज़ में था, सक्सेसफुल रिलोकेशन ऑफ टाइगर्स इन सरिस्का का टाइगर रिजर्व. ओके, एक इशू है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए प्रीलिम्स के लिए भी. उसके बाद ऐसे कुछ बहुत सारे प्रजाति है, इंडियन राइनो को भी रिलोकेट किया गया है काजीरंगा से दूसरे नेशनल पार्क में, ऐसा कुछ इशूज है. और जो हार्मिंग स्पेसिस लिस्टेड इन स्केड्यूल वन ऑफ दिस एक्ट इज प्रोहिबिटेड थ्रू आउट इंडिया, एंड आप इसका शिकार नहीं कर सकते हैं, मतलब ठीक है. स्केड्यूल्स टू का जो एनिमल्स है स्केड्यूल थ्री एंड फोर दे आर अलाउड विथ परमिशन, मतलब अगर स्केड्यूल थ्री स्केड्यूल टू स्केड्यूल थ्री एंड स्केड्यूल फोर का जो एनिमल है उसको अगर आप हंटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा वाइल्ड लाइफ वार्डन से स्टेट का. और स्केड्यूल फाइव में जो जो प्रजाति है उसको आप परमिशन के नहीं होने पे भी आप उसको मार सकते हैं, मतलब वहाँ पे कॉमन स्पेसिस है जैसे कि चूहा है, कौवा है, ऐसा टाइप का कुछ प्रजातियाँ है और उसको भार्मिन भी बोला जाता है. और रिसेंटली ये इशू न्यूज़ में था क्योंकि नील गाय को बिहार में भार्मिन डिक्लेयर किया गया. सिमिलरली आपका जो जंगली सुअर है वाइल्ड बोर एंड रसास मेकाक एक बंदर का प्रजाति है, उसको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में उसको भार्मिन डिक्लेयर किया गया है, ठीक है. आप इसे देखिए फिर से करंट इशू उसे के साथ रिलेट कर सकते हैं. और यूपीएससी का ये टेंडेंसी है कि जो इश्यूज करंट इशू में आपका आता रहता है तो उसको उसका एस्थेटिक टॉपिक के ऊपर वो क्वेश्चन पूछते हैं. तो आप फार्मिंग्स मतलब स्केड्यूल फाइव एनिमल्स, तो ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद स्केड्यूल फाइव में सॉरी सिक्स में प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है. और ये जो प्लांट स्पेसिस है इसके अंदर उसको हम कल्टिवेट नहीं कर सकते हैं और प्लांटिंग भी नहीं कर सकते इसके, ठीक है. उसके बाद आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 1972. तो बेसिकली क्या है, इंडिया का जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत रिच है, हम लोग को पता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालयस, दो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. और इंडिया का लोकल कम्युनिटीज को इस ये बायोडाइवर्सिटी उसके ऊपर बहुत बहुत पहले से ही इसका नॉलेज है. जैसे कि आप लोग एक रिसेंट में आपका करंट इशू बता दूँ, अंडमान आइलैंड में जो अदरक का स्पेसिस जिंजर स्पेसिस डिस्कवर हुआ था, तो वो स्पेसिस लोकल कम्युनिटीज उसको बी रिपेलेंट मतलब कि मधुमक्खियाँ भगाने के लिए यूज़ करता है, ठीक है. तो ऐसा कुछ यूज़ वो लोग करते हैं, ऐसा नॉलेज है उसके पास. तो ऐसा नॉलेज अगर फॉरेन नेशनल के पास नहीं जाए विदाउट मतलब बेनिफिट शेयरिंग, तो विदाउट बेनिफिट शेयरिंग फॉरेन नेशनल या ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं जाए, तो इसीलिए ही ये एक्ट बेसिकली इन्हें किया गया था, लाया गया था इस एक्ट को. तो ये प्रोवाइड करता है सेटिंग अप ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज. थ्री टायर स्ट्रक्चर है, आप इसको याद कर लीजिए. और जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का पावर है वो सिविल कोड के इक्विवेलेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है.
और जो एनबीए का अप्रूवल जरूरी है, किस किस मतलब कारण जरूरी है? अगर आप कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मांगते हैं किसी बायोलॉजिकल रिसोर्स के ऊपर जो कि इंडिया बेस्ड है, कोई फॉरेन नेशनल हो या तो फिर कोई ना क्यों, अगर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चाहिए तो आपको एनबीए से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद एनी फॉरेन नेशनल और ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ एनबीए फॉर ऑब्टेनिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड नॉलेज फॉर एनी यूज। मतलब पहला वाला तो सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए था, लेकिन अगर कोई फॉरेन नेशनल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके वो अगर कोई भी यूज हो, चाहे वो रिसर्च पर्पस ही क्यों ना हो या तो फिर अपना यूज में ही क्यों ना हो, जो भी हो, अगर वो इंडिया बेस्ड कोई बायोलॉजिकल रिसोर्स, मतलब कि सपोज कोई प्लांट स्पेसिस ही क्यों ना हो, वो यूज करना चाहते हैं, तो एनबीए का अप्रूवल जरूरी है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी उसका अप्रूवल। लेकिन इंडियन सिटीजन को वो परमिशन या अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, दे आर फ्री एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसर्चेस फॉर देयर ओन यूज, मतलब अपने खुद के लिए या तो फिर कोई मेडिसिनल पर्पस के लिए या तो फिर कुछ रिसर्च पर्पस के लिए वो फ्री यूज कर सकते हैं बायोलॉजिकल रिसर्च को इंडिया का, ठीक है? मतलब इंडियन सिटीजन्स इंक्लूडिंग बैच एंड हकीम्स। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो प्लीज रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए एंड रिकमेंड कीजिए मेरे कोर्स को, और अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं ज़रूर रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। और आप ये लेसन सॉरी मैसेज देख सकते हैं, आज के मैसेज है ये, और मेरे लेसन देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये है मेरा कोर्स एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंपॉर्टेंट कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स एंड लेजिस्लेशन। तो ये जो कोर्स है बेसिकली जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको टारगेट करके बनाया गया है। तो इससे पहले जो जो लेसन मैंने अपलोड किए थे, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उस लेसन को देखे हुए होंगे। तो ये है मेरा लेसन कन्वेंशन ऑन वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं, भास्कर ज्योति हजारिका। मैंने आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज से बी किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये कोर्स पसंद आए तो प्लीज़ इसको रेट एंड रिव्यू कीजिए, और अगर आप सोचते हैं कि ये लेसन्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो मेरे लेसन को प्लीज़ एंड प्लीज़ रिकमेंड कीजिए। ओके, तो बेसिकली इस लेसन में मैं इन पांच कन्वेंशन को डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर न्यूज़ में आते रहते हैं, और ये पांच कन्वेंशन को ही इंडिया ने साइन किया है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं साइज से। तो साइज क्या है कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो बेसिकली ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट्स, ये जो फोर्स में आया था 1975 में, और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है। और ये एकमात्र ऐसा ट्रीटी है जो कि इंश्योर करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड के कारण प्लांट स्पेसीज हो या एनिमल स्पेसीज हो, उसका सर्वाइवल थ्रेटन ना हो, मतलब ठीक है, तो वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए या उसका मतलब पॉपुलेशन बहुत बुरी तरह से कम ना हो जाए, तो इसको इंश्योर करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और इसको वाशिंगटन में साइन किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स का, और इसलिए इसको वाशिंगटन कन्वेंशन भी बोला जाता है, और ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, यस। लेकिन इसका एक ऐसा प्रोविजन है कि ये जो नेशनल लॉज है पार्टीज का उसको रिप्लेस नहीं करता है। तो कंट्रीज को क्या करना पड़ेगा, उसको अपना एक डोमेस्टिक लेजिस्लेशन इनेक्ट करना पड़ेगा टू इंश्योर दैट साइट्स हैज बीन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। तो आपको मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि देखिए, अगर साइट्स का कुछ प्रोविजन इंडिया में इम्प्लीमेंट करना है तो फर्स्टली इंडिया को एक नेशनल लेजिस्लेशन इनेक्ट करना पड़ेगा, और इंडिया का ऐसा एक लेजिस्लेशन ऑलरेडी है इन फोर्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो इंडिया को अगर कुछ साइट्स का प्रोविजन इम्प्लीमेंट करना हो तो वो सॉरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है? तो ये बेसिकली है, और इसका फाइनेंस मिलता है साइट्स ट्रस्ट फंड से, और इसका तीन अपेंडिक्स है, लिस्ट है, जो अपेंडिक्स वन में जो जो स्पेसिस को इंक्लूड किया गया है, तो वो बेसिकली थ्रीटेन मतलब एक्सटिंक्शन होने वाला है, वो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, तो एक्सटिंग होने वाला है, उसका थ्रेट है एक्सटिंग होने का। और इसका जो ट्रेड है ऐसा स्पेसिस का ट्रेड एक्चुअली इन जनरल परमिशेबल नहीं है, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में उसको परमिट किया जा सकता है। और अपेंडिक्स टू में ऐसा प्रजाति है जो थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन नहीं है, लेकिन उसका ट्रेड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं किया तो वो भी इन फ्यूचर एक्सटिंक्शन लिस्ट में चला जाएगा। और अपेंडिक्स थ्री में जो है वो एक्चुअली ऐसा है कि कुछ पर्टिकुलर स्पेसिस को अगर
एक पर्टिकुलर कंट्री, एटलीस्ट वन कंट्री में उसको प्रोटेक्ट किया जाए, तो वो अदर साइड्स पार्टी को भी बोल सकते हैं कि उस प्रोटेक्शन में उसको असिस्टेंट करे। सपोज मैं आपको बता रहता हूँ कि पिग्मी हॉक तो इंडिया में मिलता है, आसाम में, तो अब इंडिया दूसरे कंट्री से, सपोज बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश को या चाइना से, सपोज चाइना, तो वाइल्ड लाइफ का ट्रेड ज़्यादा चाइना ऐसा जगह में होता है, चाइना वियतनाम, तो चाइना को बोल सकता है कि ये जो पिग्मी हॉग है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए असिस्टेंट प्रोवाइड कीजिए हम लोगों को भी, उसका ट्रेड मतलब कंट्रोल करने के लिए। तो बेसिकली इसीलिए ऐसा स्पेसिस को अपेंडिक्स 3 में डाला गया है। और रिसेंटली ये जो पेंगोलिन था इसको अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 3 में लाया गया। सिमिलरली ये जो शार्क मंता रे, ये दोनों प्रजातियों को भी अपेंडिक्स 2 में लाया गया था। और उसके बाद आता है CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसिस, तो पॉपुलरली इसको बोन कन्वेंशन भी बोला जाता है। और ये एक इंटरनेशनल सॉरी इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंदर आते हैं, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं है और इंडिया ने इसको रेटिफिकेशन किया है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि जो टेरेस्ट्रियल हो या एक्वाटिक हो या एवियन माइग्रेटरी स्पेसिस हो उसको थ्रू आउट देयर रेंज कंजर्व किया जाए। रेंज मतलब देखिए, अगर साइबेरियन क्रेन हो तो वो रशिया से इंडिया तक आता है, विंटर सीजन में इंडिया में आता है, तो इसका रेंज हो गया रशिया टू इंडिया, आप समझ रहे हैं बात को। तो ऐसा कंप्लीट रेंज को कंजर्व मतलब करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और द ओनली ग्लोबल कन्वेंशन व्हिच स्पेशलाइजेशन व्हिच स्पेशलाइजिंग इन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसिस देयर हैबिटेट एंड माइग्रेटरी रूट्स आल्सो। ऑलराइट, और इसका दो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2। तो माइग्रेटरी स्पेसिस जो जो कि एक्सटिंक्शन के थ्रेट है जिसका, तो उसको इंक्लूड किया गया अपेंडिक्स 1 में। और अपेंडिक्स 2 में ऐसा स्पेसिस को इंक्लूड किया है जो जो स्पेसिस अगर इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिले उसको तो उसका पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकता है। बेसिकली मैं सिंपल टर्म में बोलूँ तो ऐसा स्पेसिस को अपेंडिक्स 2 में डाला गया है। और एक एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में इंक्लूड कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, इसको रेप्टोमो भी बोला जाता है, माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ प्रे इन अफ्रीका एंड यूरेशिया, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और एक है अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट। ऑलराइट, और इसका जो COP 12 होने वाला है CMS का, तो ये होने वाला है मनीला फिलीपींस में, और इसका थीम है तो 2017 का, ये 2017 में होने वाला है COP 12। इसका जो थीम है देयर फ्यूचर इज आवर फ्यूचर। ओके, देयर मतलब किसका बारे में बात कर रहे हैं, माइग्रेटरी स्पेसिस का, ठीक है। और उसके बाद था इंटरनेशनल व्हेल कमीशन, सॉरी इट इज व्हेलिंग कमीशन इट शुड बी, तो इसको सेटअप किया गया था इंटरनेशनल कमीशन फॉर रेगुलेशन फॉर ऑफ व्हेलिंग। तो इसका पर्पज ये है कि प्रोवाइड करे कंजर्वेशन ऑफ व्हेल स्टॉक को, और इसका काम क्या है कि रिव्यू करते रहे और रिवाइज करते रहे जो जो मेजर्स इस कन्वेंशन के अंदर डाला गया है जो कि व्हेलिंग को गवर्न करता है थ्रू आउट द, व्हेलिंग मतलब जो किलिंग ऑफ व्हेल्स है बेसिकली उसको ही बोला जाता है। और इसको साइन किया गया था वाशिंगटन में 1946 में, और इंडिया इसका पार्टी है, और इंडिया हैज बीन सपोर्टिंग व्हेल कन्वर्जन, इंडिया भी इसको सपोर्ट कर रहा है। कैसे कर रहे हैं, जो जो सेटाशियन स्पेसीज है मतलब व्हेल लाइक जो मेमल्स है, स्तनपाई प्रजाति है, उसको Schedule 1 में डाला गया है, तो इंडिया में इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलता है। और इंडिया ने एक साउथ पैसिफिक सेंचुरी भी एस्टैब्लिश किया है व्हेल के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, तो ये करता है कि नेचुरल हो या कल्चरल साइट हो, जो जो साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्ट में डाला जा सके तो उसको डिफाइन करता है। और ये लिंक करता है कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल कन्वेंशन कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टीज, और इसमें 5 C's है, क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटीज। और ये जो रेटिफिकेशन है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का, इसका की बेनिफिट यही होंगे पर्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज कि उसको एक्सेस टू वर्ल्ड हेरिटेज फाइन मिले। मतलब अगर इंडिया ने, सपोज इंडिया तो है ही इसको, तो इंडिया इसका रेटिफाई कर चुका है इसका, तो इंडिया को वर्ल्ड हेरिटेज साइंस से फंड मिलता है क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। और द अदर बेनिफिट क्या है कि द इंस्क्रिप्शन ऑफ ए साइट ऑन वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट ब्रिंग्स एन इंक्रीज इन पब्लिक अवेयरनेस ऑफ साइट एंड इट्स आउटस्टैंडिंग वैल्यूज एंड दस ऑल्सो इंक्रीजेस द टूरिस्ट एक्टिविटीज। देखिए, अगर एक साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सपोज मैं यहाँ पे नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का बात कर रहा हूँ, काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क आसाम का, दोनों को इस पे इंक्लूड किया गया है, तो इससे क्या हुआ, अवेयरनेस बढ़ गया एट इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, और इसीलिए इसका टूरिस्ट एक्टिविटीज आगे से बढ़ गया है, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है। और एट प्रेजेंट देयर इज सेवन नेशनल मतलब 7 नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट था,
नंदा देवी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क और वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट एक्चुअली बेसिकली ये क्लस्टर है, मतलब 39 साइट से उसको कंबाइन करके उसको एक साथ इस वर्ल्ड हेरिटेज नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लिस्ट में डाला गया है. और ये सार शिप में कवर्ड है, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड केरला. और इसका रिसेंट और लेटेस्ट इंक्लूजन है कंचनजंगा नेशनल पार्क, वर्ल्ड नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इंडिया में 2016 के जुलाई महीने में इसको इंक्लूड किया गया था. और एक्चुअली बेसिकली ये सिर्फ नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही नहीं है, इसको कल्चरल लिस्ट में भी डाला गया है. तो बेसिकली ये है मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है. और पांच ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज है जो कि टेंटेटिव लिस्ट में, भितरकनिका ये तो उड़ीसा में है, डिजार नेशनल पार्क है, दामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, नेवरा वैली है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि रान ऑफ कच्छ में गुजरात में है. और लास्टली द रामसर कन्वेंशन, और ये तो पॉपुलर नेम है इसका, तो एक्चुअल नाम है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स. तो उसको अडॉप्ट किया गया था ईरान का एक सिटी रामसर में, इसलिए नाम था रखा गया रामसर कन्वेंशन. और इट केम इन टू फोर्स इन 1977. लेकिन ये यूनाइटेड नेशंस का कोई मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स को एफिलिएट नहीं करता है, ये एक इंडिपेंडेंट है. और इसका तीन मेन पिलर या ऑब्जेक्टिव ये है कि वर्क टुवर्ड्स वाइड यूज ऑफ ऑल देयर वेटलैंड्स थ्रू नेशनल लैंड यूज प्लानिंग एंड अप्रोप्रिएट पॉलिसीज, ठीक है. और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की डेजिग्नेट सुइटेबल वेटलैंड्स फॉर द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिसको रामसर लिस्ट बोला जाता है. और एंश्योर किया जाए कि उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट हो, पहले डेजिग्नेट किया जाए उसके बाद इफेक्टिव मैनेजमेंट हो. और लास्टली कोऑपरेटिव इंटरनेशनली कंसर्निंग ट्रांसबाउंडरी वेटलैंड्स. तो देखिए ये जो सिर्फ नेशनल वेटलैंड्स को ही कवर नहीं कर, ट्रांसबाउंडरी वेटलैंड्स भी हो सकते हैं. जैसे कि सपोज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, सपोज मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, कोई एक वेटलैंड्स है, ठीक है, और उसको रामसर लिस्ट में डाला गया. तो ऐसे लिस्ट को भी, मतलब ऐसे साइट्स को भी ये रामसर लिस्ट कन्वेंशन एड्रेस करते हैं, ठीक है. और जो पार्टीज है इसको एडॉप्ट किया था उसको डेजिग्नेट करना पड़ता था एटलीस्ट वन रामसर साइट्स. एंड 2 फरवरी में वर्ल्ड वेटलैंड्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 1971 के 2 फरवरी में ही इसको एडॉप्ट किया गया था. और 2017 का जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे था उसका थीम था वेटलैंड्स फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. और एक है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, तो ये बेसिकली रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स है, लिस्ट ऑफ इम्पोर्ट, लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, और जहाँ पे चेंज होता है इकोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब कि जो जो वेटलैंड्स है तो उसको अगर कोई भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, मतलब कि कोई रेलवेज हाईवेज वहाँ पे जा रहा है, या तो फिर पॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कोई डिस्चार्ज कर रहा है, या तो फिर नीचे वाले एरिया में सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, या तो फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब कि ह्यूमन हैबिटेट वहाँ पे सेटल हो रहा है, ह्यूमन सेटलमेंट्स बिठा रहे हैं उस साइट के आसपास में, तो उस कारण से अगर कोई इकोलॉजिकल इसका डिस्टर्बेंस हो तो, या संभावना है होने की, तो ऐसे साइट को ही इस मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाला जाता है. तो ऐसा 48 साइट्स हैं वर्ल्ड में, और इंडिया में सिर्फ लोकटाक लेक और केवला देव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में, इसको इंक्लूड किया गया है. यस, चिलिका लेक को एक बार इंक्लूड किया गया था क्योंकि जो सिल्टेशन है, सेडिमेंटेशन है रिवर का, जो इसका मतलब लैंड, सॉरी पार्टिकल्स, मतलब मार्ट पार्टिकल्स बोले या सैंड पार्टिकल्स बोले, वो डिपॉजिट होने के कारण इसका माउथ ब्लॉक हो गया था. लेकिन इसको रिमूव किया गया और ये प्रॉब्लम सॉल्व किया गया, और इसीलिए इस चिलिका लेक को भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया 2002 में. और लास्टली चांगवन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन वेलबींग ऑन वेटलैंड्स, तो ये बेसिकली 2008 का जो 10th सीओपी था रामसर कन्वेंशन का, वहाँ पे अडॉप्ट किया गया था. और ये है इसका की मैसेजेस कि सिर्फ रामसर कम्युनिटी जो जो पार्टीज इस पे साइन करते हैं या पार्टी है इसका रेटिफिकेशन करते हैं, वही नहीं, अदर जो जो स्टेक होल्डर्स है, लोकल कम्युनिटीज है, जो जो वेटलैंड्स के कंजर्वेशन से मतलब ताल्लुक रखते हैं, या तो फिर उसका वेटलैंड्स के मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, कंजर्वेशन मतलब कि अगर कोई लोकल कम्युनिटीज कुछ वेटलैंड्स वेटलैंड सपोज भितरकनिका नेशनल पार्क, सॉरी केवला देव नेशनल पार्क, ठीक है, तो केवला देव नेशनल पार्क के पास अगर कोई कम्युनिटीज है, लोकल कम्युनिटीज है, तो उसको भी इंक्लूड किया जाए बेटर कंजर्वेशन के लिए उस एरिया का. तो आप, आई होप आप समझ रहे हैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ. और ये जो रामसर कन्वेंशन है,
उसका फाइव इंपॉर्टेंट थीम्स है, वाटर एंड वेटलैंड्स, क्लाइमेट चेंज एंड वेटलैंड्स, पीपल्स हेल्थ एंड वेटलैंड्स, पीपल लाइवलीहुड एंड वेटलैंड्स, और लैंड यूज एंड बायोडाइवर्सिटी एंड वेटलैंड्स। तो इस पांच टॉपिक का वेटलैंड्स के साथ क्या क्या संबंध है, वही इसका मतलब बेसिक थीम था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये कोर्स ये लेसन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको रिकमेंड कीजिए और मेरे कोर्स को रेट एंड रिव्यू कीजिए। और आज के मैसेज है ये, एडॉप्ट साइकिलिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बर्न लेस फॉसिल फ्यूल। और मेरे लेसन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग प्रीलिम्स के लिए बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये है मेरा कोर्स एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इंपॉर्टेंट कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स एंड लेजिस्लेशन, और ये है लेसन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्राम्स जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए है उसके ऊपर। तो इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं भास्कर ज्योति हजारिका, मैंने आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज से बी किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और आप मुझे इस लिंक पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरे कोर्स पसंद आए तो प्लीज़ इसको रेट एंड रिव्यू कीजिए और मेरे लेसन को रिकमेंड कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं IUCN से। तो ये बेसिकली IUCN तो आप लोगों को पता हो कि रेट लिस्ट प्रिपेयर करता है। तो IUCN इज ए मेंबरशिप यूनियन यूनिकली कंपोज्ड ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन दोनों इन्वॉल्व है इसमें। और इसको क्रिएट किया गया था 1948 में। और एक्चुअली इसका जो काम होते हैं या इसका एक्सपर्ट IUCN का जो एक्सपर्ट है वो जिस एरिया पे काम करते हैं वो बेसिकली सिक्स कमीशन में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो बेसिकली वो लोग काम कर रहे हैं स्पीशीज सर्वाइवल के ऊपर, एनवायरमेंटल लॉ के ऊपर, प्रोटेक्टेड एरियाज जो होते हैं उसके ऊपर, या सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर, और इकोसिस्टम मैनेजमेंट जो होता है, और एडुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ये IUCN बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो प्लीज़ आप इसका ये जो फंक्शन है या जहाँ पे ये काम करता है आप इसको याद कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन भी हो सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल का काम के ऊपर, तो इस पर भी आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। उसके बाद जो स्पेसिस सर्वाइवल के लिए बेसिकली इसको जाना जाता है क्योंकि ये जो रेड लिस्ट प्रिपेयर करता है, रेड लिस्ट के ऊपर मैं एक सेपरेट लेसन बनाऊंगा, तो नो नीड टू वरी। तो ये बेसिकली जो सेविंग स्पेसिस के लिए काम करता है, तो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पेसिस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है IUCN रेड लिस्ट। और इसके अलावा ये जो सेव आवर स्पेसिस प्रोग्राम है उसको भी सपोर्ट करता है, और जो इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम है उसको भी सपोर्ट करता है इन द एरिया ऑफ स्पेसिस सर्वाइवल। और यहाँ पे जो एनवायरमेंटल लॉ है प्रोटेक्टेड एरिया से उसके ऊपर भी इसका बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है, बट वो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया है। उसके बाद WWF, ये तो द वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर है, इसको जाना जा रहा था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पहले, इसका नाम चेंज कर दिया गया। और ये एक्चुअली इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये जो इसका मिशन है टू हॉल्ट एंड रिवर्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर एनवायरनमेंट। और ये जो WWF है ये बेसिकली काम करता है कि ये जो थ्री बायोम्स है, फॉरेस्ट पे हो, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और ओशियंस पे एंड कोस्ट पे, ये तीनों बायोम्स में कैसे वर्ल्ड का जो बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे मतलब डिस्ट्रीब्यूट है उस तीनों बायोम्स पे, उसको कैसे कंजर्व किया जाए, वही इसका मेन फोकस है WWF का। और उसके अलावा ये जो एंडेंजर्ड स्पेसिस है, पोल्यूशन या क्लाइमेट चेंज, एंडेंजर्ड स्पेसिस मतलब कि जो उसका कंजर्वेशन बेसिकली, उसके ऊपर पांडा के ऊपर उसका प्रोग्राम है, टाइगर के ऊपर प्रोग्राम है, ठीक है, तो उस पे ऊपर काम करता है। और इंडिया में ये जो टाइगर के कंजर्वेशन के लिए बेसिकली काम कर रहा है स्पेसिफिकली, और दूसरे प्रोजेक्ट भी है लेकिन स्पेसिफिकली टाइगर जो रॉयल बंगाल टाइगर है उसके लिए, WWF वर्क्स टू एनफोर्स जीरो टॉलरेंस फॉर टाइगर पोचिंग अक्रॉस एशिया, ओके। उसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल, तो ये एक्चुअली लार्जेस्ट नेचर कंजर्वेशन पार्टनरशिप है, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट, और इसको वाइडली जाना जाता है कि इसका बर्ड कंजर्वेशन एफोर्ट के लिए वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल। और 120 वाइल्ड लाइफ पार्टनर है पूरे दुनिया में, और एक कंट्री में एक ही पार्टनर है। तो जो इंडिया का पार्टनर है वो है बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ओके। और इसको पहले फॉर्मली इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन, ये इस नाम से भी जाना जाता था। और इसका ये सारा प्रोग्राम चल रहा है इस एरिया पे, आप इसको देख सकते हैं, मैं इसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा। और उसके बाद वेटलैंड्स इंटरनेशनल, ये तो ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स के लिए काम करता है। और ये तो वेटलैंड्स के रिलेटेड जो आपको रामसर कन्वेंशन, उसके बारे में तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ।
और ये बेसिकली डेडिकेटेड है मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग वेटलैंड्स फॉर देयर एनवायरमेंटल वैल्यूज एज वेल एज द सर्विसेज दे प्रोवाइड टू पीपल। क्योंकि वेटलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका एनवायरमेंटल वैल्यूज बहुत ही ज़्यादा है और इसके ऊपर बहुत सारे पीपल का लाइवलीहुड भी डिपेंड करता है वेटलैंड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IWMI, तो ये भी एक नॉन प्रॉफिट साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज इन डेवलपिंग कंट्रीज, उसके ऊपर फोकस है इसका काम। और ये जो IWMI है, ये गवर्नमेंट हो या सिविल सोसाइटी हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उसके साथ कोलाबोरेशन काम करता है। और बेसिकली क्या काम करता है, टू डेवलप स्केलेबल एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट सोल्यूशन दैट हैव ए रियल इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, फूड सिक्योरिटी एंड इकोसिस्टम हेल्थ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देख लीजिए, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ओके। फिर लास्टली बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल, ये तो एक ये भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एक्चुअली रिसर्च फॉर डेवलपमेंट इसका मेन फोकस है, और इसका विजन ये है कि एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी नॉरिशेस पीपल एंड सस्टेन द प्लेनेट। तो बेसिकली एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बेस्ड है, और ये काम कहाँ करता है, लो इनकम कंट्रीज में काम करता है, और डिलीवर साइंटिफिक एविडेंस एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसी ऑप्शंस टू यूज एंड सेफगार्ड एग्रीकल्चरल एंड ट्री बायोडाइवर्सिटी टू अटेन सस्टेनेबल ग्लोबल फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो बेसिकली ये डायरेक्टली वाइल्ड लाइफ के साथ रिलेटेड नहीं, ये बेसिकली रिलेटेड है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, और कैसे एग्रीकल्चर और ट्री बायोडाइवर्सिटी को यूज किया जाए टू अटेन सस्टेनेबल ग्लोबल एंड फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। ऑलराइट, उसके बाद सावेन, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंटर गवर्नमेंटल लॉ एनफोर्समेंट सपोर्ट बॉडी है, और ये इंडिया इसका एक मेंबर है, और बाकी मेंबर कंट्री को भी आप एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको लॉन्च किया गया था 2011 में भूटान में, और इसका काम है कि स्ट्रेंथन प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रीजनल कॉपरेशन फॉर कर्बिंग इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड दैट थ्रेटन्स वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना ऑफ साउथ एशिया। आपको शायद पता होगा कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का ट्रेड बहुत ही ज़्यादा है, पर्टिकुलरली वियतनाम हो, चाइना हो, इस जगह में, मतलब ये जो वाइल्ड लाइफ का नाखून होता है, स्किन होता है, उसके ऊपर उसका ट्रेड होता रहता है, ठीक है। तो उसको कैसे कार्प किया जाए, हम लोग का जो टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर, उसका भी ट्रेड होता हैवीली ट्रेड होता है। उसके बाद पेंगोलिन भी है इसका, ऐसे कुछ स्पेसीज है जिसका हैवीली ट्रेड है होता है, तो इसको कैसे रोका जाए। और एक प्रोजेक्ट है इसका ट्राइलेटरल ट्रांसबॉर्डर वाइल्ड लाइफ इंटरसेप्शन, और इंडिया का वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में है, वो भी इसका प्रोजेक्ट पार्टनर है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिडक्शन इन इलीगल ट्रैफिकिंग इन वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, पार्टिकुलरली इंडियन वन हॉर्न राइनोज एंड बंगाल टाइगर्स, ठीक है। तो ये जो वन हॉर्न राइनोज है और बंगाल टाइगर है, उसका जो या आपका जो हॉर्न होता है राइनो का, ठीक है, इसके अलावा मैंने अभी बोला है कि बंगाल टाइगर, उसका स्किन हो या नाखून हो, उसको उसके ऊपर ट्रेड होता है, ठीक है, उसको कैसे रोका जाए, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को सोएन ने इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद माइक है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, तो एक मॉनिटरिंग सिस्टम है बेसिकली अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट्स का। ये एक्चुअली प्रोग्राम साइट्स के अंदर आता है, और इसको इंट्रोड्यूस किया जाए, ये डिसीजन हुआ था साइट्स का 10 COP में। और एक्चुअली ये क्या काम करता है, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर एलिफेंट रेंज स्टेट्स टू मेक अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, मतलब ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टेट्स को, ठीक है, कि इसको मैनेजमेंट कैसे किया जाए एलिफेंट स्टेट्स एलिफेंट के कंजर्वेशन को, या तो फिर एनफोर्समेंट डिसीजन को। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू मेजर द ट्रेंड्स इन द इलीगल हंटिंग ऑफ एलिफेंट, मतलब ये जो इलीगल हंटिंग कैसे हो रहा है, उसका ट्रेंड क्या है, और इसका ट्रेंड का मतलब इसका किलिंग बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसके ऊपर जो मॉनिटरिंग करता है। और ये भी डिटरमाइन करता है ये क्यों हो रहा है, मतलब अगर कोई ट्रेंड हो रहा है, मतलब सपोज एलिफेंट का किलिंग बढ़ रहा है तो क्यों हो रहा है, या तो फिर एलिफेंट का किलिंग कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो सब फैक्टर ये एनालाइज करता है, ठीक है माइक। उसके बाद सॉट कोलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग एंड यूनिक वॉलंटियरी पब्लिक प्राइवेट कोलिशन ऑफ द लाइक माइंडेड गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड शेयरिंग ए कॉमन पर्पज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एनफोर्समेंट एक्टिविटीज। तो ये बेसिकली एक कोलिशन है, और ये एनफोर्समेंट के लिए काम नहीं करता है, मतलब ठीक है। तो ये वॉलंटरी पब्लिक प्राइवेट कोलिशन है, और ये इम्प्रूव करता है वाइल्ड लाइफ लॉ एनफोर्समेंट, रिड्यूस कंज्यूमर डिमांड फॉर इलीगली। ये देखिए, ये वाइल्ड लाइफ का ट्रेड क्यों होता है, क्योंकि कंज्यूमर का डिमांड होता है, इसलिए इसका ट्रेड होता है, कोई खरीदता है, तो उसको कैसे रिड्यूस किया जाए कंज्यूमर डिमांड को, ठीक है। और ये जो हाई लेवल, ये देखिए, आप वाइल्ड लाइफ का ट्रैफिकिंग हो, जो भी हो, आपका पॉलिटिकल विल बहुत ही जरूरी है, तो उसको कैसे फोर्स किया जाए, जो
कंट्रीज है उसका गवर्नमेंट को कैसे इसके इसको मतलब फोर्स किया जाए, उनको एनकरेज किया जाए कि वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग को आप लोग कम करें, इसके ऊपर ही कम करता है ये CAWT। और उसके बाद सेव आवर स्पेसिस, इसके बारे में मैंने बताया था, WWF इसका एक प्रोजेक्ट मतलब इसका एक पार्टनर है, तो इसको बेसिकली क्रिएट किया गया 2010 में, तो इज ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ IUCN, सॉरी WWF नहीं, IUCN है, द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जो कि UNFCCC का फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, और वर्ल्ड बैंक है, ये तीनों इसका पार्टनर है, और एडिशनल इसका डोनर भी होता है, लेकिन ये तीनों मेन है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है जो थ्रेटन्ड स्पीसीज है उसका, और उसका जो हैबिटेट होता है उसका, और जो पीपल है सब मतलब उसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, वो जो थ्रेटन्ड स्पीसीज के ऊपर डिपेंड, कोई कोई लोग डिपेंडेंट होते हैं, और उसका हैबिटेट और उसका जो स्पीसीज हो उसका सर्वाइवल को कैसे एंश्योर किया जाए, यही सेव आवर स्पीसीज का मतलब मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसके अंदर बहुत सारे स्पीसीज आते हैं, इवन टर्टल्स को भी इंक्लूड किया गया है इसके अंदर, ठीक है। और लास्टली ट्रैफिक, इट इज ए इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल नेटवर्क एंड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ठीक है। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1976 में बाय द स्पेशल स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ IUCN, और ये जो जॉइंट एक्चुअली बेसिकली जॉइंट कंजर्वेशन प्रोग्राम है WWF एंड IUCN के, मतलब जॉइन इनिशिएटिव है, और ये एज ए रेस्पॉन्स आया था एक्चुअली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब साइट्स को एस्टेब्लिश किया गया था उसके रेस्पॉन्स में इसको लाया गया था ट्रैफिक को। और ट्रैफिक का जो 2020 गोल है वो है कि टू हेल्प रिड्यूस द प्रेशर ऑफ इलीगल एंड अनसस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड एनहेंस द बेनिफिट ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड ह्यूमन वेलबींग दैट डेराइव फ्रॉम ट्रेड एट सस्टेनेबल लेवल। तो देखिए, अगर ये जो वाइल्ड लाइफ का ट्रेड होता है उसको अगर सस्टेनेबल लेवल में किया जाए तो इसका कुछ बेनिफिट भी हो सकते हैं, तो उसको उस बेनिफिट को कैसे एनहेंस किया जा सके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, और जो स्पेशली जो कम्युनिटी वो जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है कुछ कुछ रीजन में, उसका बेनिफिट के लिए ये इसको कैसे यूज किया जाए, ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। और जो अनसस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, और मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है वो एक्चुअली अनसस्टेनेबल होता है, मतलब वो अगर चलता रहेगा तो वो जो स्पेसीज होता है वो एक्सटिंग हो जाएगा, ठीक है, कुछ सालों में वो एक्सटिंग हो जाएगा, तो इसको मतलब कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, और मोस्ट ऑफ देम आर इलीगल, तो इलीगल ट्रेड तो डेफिनेटली इसको रिड्यूस करना है, तो इसके लिए ट्रैफिक कम करता है। तो दोस्तों आज के लिए, और लास्ट वाला है ऑपरेशन थंडरबर्ड एंड सेफ कर्मा, तो ये ऑपरेशन थंडरबर्ड एक्चुअली इंटरपोल का एक मल्टी स्पेसिस एनफोर्समेंट ऑपरेशन है, और ये इन्वॉल्व 43 कंट्रीज का बॉर्डर एजेंसीज, पुलिस, ये सब वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट ऑफिशियल भी इन्वॉल्व था, और इसका मेन काम था कि इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ और टिम्बर को कैसे टैकल किया जाए, और इंडिया में भी ये ऑपरेशन हुआ था, और इसको कोऑर्डिनेट किया था वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने, ठीक है। और ये जो उसके बाद और एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सेव कर्मा, तो ये एक्चुअली स्पेस स्पेस मतलब स्पेसिस स्पेसिफिक ऑपरेशन था, मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पेसिस के ऊपर ये बेस था, वो था टर्टल। और इस ऑपरेशन सेव कर्मा के दौरान एक बहुत ही मतलब लार्ज नंबर का कछुए को रिकवर किया गया था, और ऑपरेशन पॉज है जो कि इंटरपोल का एक ऑपरेशन था, और ये क्या करता है, टारगेटिंग वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग इन टाइगर्स एंड अदर बिग कैट्स अक्रॉस एशिया। तो ये भी आप देख लीजिए, ऑपरेशन पाउज, ऑपरेशन सेफ कर्मा एंड ऑपरेशन थंडरबर्ड, राइट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको रिकमेंड कीजिएगा, और आज का मैसेज है कि द ग्रेटनेस ऑफ ए नेशन कैन बी मेजर्ड बाय द लुकिंग एट हाउ इट ट्रीट्स इट्स एनिमल, ठीक है। तो मेरे लेसन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।